बेटे यहाँ पर कैश नहीं लिखा, लेकिन जिससे खरीदे उसका नाम लिखा है, इसलिए यहाँ पर दो अक्षर बड़े कीमती है, दो वर्ड्स, एक गुड्स और एक अनिल कपूर, एक गुड्स और एक अनिल कपूर। बेटे हमने अनिल कपूर से उधार में सामान खरीदा है, आप समझ रहे हैं। तो आइए इसकी एक बार देखें एक्सप्लेनेशन क्या है। आइए बेटे, मैंने बड़ी मेहनत की है, दो नाम बताएं पहले तो बेटे, लिख लें वर्किंग नोट थ्री, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 1500 फ्रॉम अनिल कपूर, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 1500 फ्रॉम अनिल कपूर। बेटे दो नाम बताएं, एक नाम है गुड्स और दूसरा नाम है अनिल कपूर, एक नाम है गुड्स और दूसरा नाम है अनिल कपूर, ठीक है जी। आइए 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 बेटे, मैंने दोबारा से अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई, समझा मैं चुका हूं, फिर भी मेरा प्यार देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन में दोबारा बना रहा हूं, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। गुड्स खरीदी, गुड्स एसेट है, एसेट में आएगा, गुड्स बढ़ रही है इसलिए गुड्स को डेबिट करूंगा, गुड्स के नाम को ना करके मैं परचेजेस को डेबिट करूंगा, सब बता चुका हूं पिछले लेक्चर्स में भी और आज भी। लायबिलिटीज, लायबिलिटीज क्योंकि मैंने उधार में खरीदे अनिल कपूर से, आमिर खान ने अनिल कपूर से उधार में ये गुड्स खरीदी हैं, कितने की, कितने की बेटे, चलो वो कितने के भी छोड़ दो, पहले आप लिखो गुड्स खरीदी है, जितने के गुड्स खरीदी है उतने से कर्ज क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, उतने से कर्ज क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, ये बात समझ आ गई, जितने की उधार में सामान खरीदा है उतने से कर्ज या क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, लिख लो। इसका मतलब जब गुड्स खरीदी है तो गुड्स का बैलेंस बढ़ रहा है, गुड्स मेरे घर आ रही है, गुड्स का बैलेंस बढ़ रहा है तो गुड्स को तो डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे, जब मुझे पता चल गया कि गुड्स को डेबिट करेंगे, परचेजेस को डेबिट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब मैं अनिल कपूर के नाम को क्रेडिट ही करूंगा। लेकिन आपको लॉजिक पता होना चाहिए बेटे, जब मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है और लायबिलिटी क्रेडिट नेचर की होती है, तो जब क्रेडिट नेचर की होती है और लायबिलिटी बढ़ रही है तो मैं क्रेडिट ही तो करूंगा, इसलिए अनिल कपूर का क्रेडिट करेंगे। अब हम, हमारे वो क्रेडिटर्स हैं, मतलब हमें, हमने उनको प्रॉमिस दिया है कि अनिल कपूर हम आपको 1500 रुपए इतने दिन के बाद दे देंगे, आज हम आपसे गुड्स ले रहे हैं, ये हमारी कर्ज है, ये हमारा कर्ज है, ये हम उधार में ले रहे हैं, तब तक हम आपका नाम अपने क्रेडिटर्स में दिखाएंगे। आइए इसकी एंट्री बड़ी अच्छी सी बनती है दोस्तों, हम बनाते हैं एंट्री नंबर थ्री, परचेजेस, बेटे परचेज ही तो क्या है, परचेजेस, अब मेरे पास एक लाइन में जगह नहीं है इसलिए मैं दो लाइनें यूज करता हूं, आप एक ही लाइन में लिखें, परचेजेस अकाउंट्स डैश 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 डेबिट, हटके हटके अनिल कपूर, आहा आहा आहा, हमारा क्रेडिटर है अनिल कपूर, हमें पैसे देने हैं, हमने इससे गुड्स उधार में खरीदी है, परचेजेस बेटे 1500 रुपए हमने उधार में खरीदी है अनिल कपूर से, तो लिखे जी बीम बीम परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अनिल ओन क्रेडिट, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने कपूर नहीं लिखा, आप लिख रहे हैं बीइंग परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अनिल कपूर ऑन क्रेडिट, हमने अनिल कपूर से 1800-1500 रुपए की गुड्स क्रेडिट में खरीदी, तीन ट्रांजेक्शन मैं कर भी चुका, पहली कर दी बेटे, पहली देख लो, पहले तो कैपिटल लेकर आया था, दूसरी कर दी जो उसने कैश में परचेज की थी, तीसरी कर दी जो उसने उधार में परचेज की है। अब देखो जी मेरी क्योंकि जगह भर गई है तो मैं नेक्स्ट उसमें आ गया हूं, लेकिन मैं उससे पहले ट्रांजेक्शन नंबर फोर में आता हूं, बेटे ट्रांजेक्शन फोर में भी गुड्स को परचेज किया अनिल कपूर से फ्रॉम कैश। अब इसमें एक चलाकी करी है एग्जामिनर ने, जान के अनिल कपूर का नाम दे दिया, हमें वैसे अनिल कपूर के नाम की जरूरत है नहीं क्योंकि हमने कैश में दिया है, और जब कैश में दिया है तो हमारा वो कर्ज थोड़ी है, जब कर्ज नहीं है तो हम लायबिलिटी थोड़ी क्रिएट करेंगे, जब लायबिलिटी क्रिएट नहीं करेंगे तो हमें नाम की कोई जरूरत ही नहीं है। तो बेटे थर्ड थर्ड के बाद में आ गया फोर्थ में, परचेज गुड्स फॉर दिस दिस दिस, आइए देखते हैं कि मैंने इसमें कुछ लिखा है क्या, आइए 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 बेटे, मैंने इसमें डिफरेंस दिया है
कि ट्रांजैक्शन 3, ट्रांजैक्शन 4 और ट्रांजैक्शन 5 में क्या डिफरेंस है उसको अभी देखते हैं। लेकिन इसका इफेक्ट आपको वैसे पता चल चुका है, फिर भी मैं लिखता हूँ, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। मैं ट्रांजैक्शन 4 की बात कर रहा हूँ बेटे। एसेट्स में एक तो गुड्स हैं, गुड्स आ रही हैं, गुड्स का बैलेंस बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम परचेजेस को डेबिट करेंगे। बेटे ये बात सब बता दो, मेरा गला भी दर्द हो गया, परचेजेस क्यों आया, गुड्स क्या आया, बेटे पीछे लेक्चर एक बार देखने पड़ेंगे। अगर आप डायरेक्टली 7th इसी लेक्चर को देख रहे हैं तो आपको पहले एक बार पुराने लेक्चर देखने पड़ेंगे। बेटे आप मूवी के बीच में आए हैं, अब जब तक आप शुरू से नहीं देखेंगे तब तक आपको मजा ही नहीं आएगा। आप पहले स्टार्टिंग से देखिए, पूरी कास्टिंग देखिए मूवी की, पहले सिलेबस देखिए, इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखिए, फिर मूवी स्टार्ट हुई है। उसमें बेटे इस मूवी के अंदर कैटरीना कैफ है, इस मूवी में बड़ी बड़ी हीरोइन है, आलिया भट्ट भी आएगी, देखना तभी देखना। कैश बेटे कैश जा रहा है, कैश तुम जा रहे हो, हाँ कैश कहता मैं जा रहा हूं, कैश तुम कम हो रहे हो, हाँ ठीक है कैश हम तुम्हें क्रेडिट कर देते हैं, कैश को क्रेडिट करेंगे। आराम से लिख ले बेटे, एक्सप्लेनेशन किसी किताब में नहीं मिलने वाली, किसी यूट्यूब के किसी और लेक्चर में नहीं मिलने वाली, ये मेरा प्यार है जो मैं लिखवा रहा हूं, बता रहा हूं, अपलोड कर रहा हूं। आइए आइए बेटे, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, गुड्स और कैश, गुड्स आ रही है, कैश जा रहा है, तो मैं चल पड़ा, कहां चला, कहां पे बेटे, कहां बेटे, मेरे को अपनी एंट्रीज तो लिखनी है ना। आइए हम ट्रांजैक्शन नंबर कौन सी की एंट्री की बात कर रहे हैं बेटे, हम बात कर रहे हैं एंट्री नंबर 4th, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 1500 फ्रॉम अनिल कपूर फॉर कैश, 4th लिख रहे हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस को डेबिट कर रहे हैं जी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अनिल कपूर का नाम नहीं आएगा बेटे, क्योंकि अगर हमने अनिल कपूर लिख दिया तो उसका मतलब हमने उधार भी खरीदा है, पैसे भी दे रहे हैं उधार में, कैसे खरीदा है ये कोई बात हुई, अनिल कपूर का नाम नहीं आएगा। 1500 बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश ब्रैकेट क्लोज द एंड। बेटे जो ये लाइन डालनी पड़ती है ना नीचे टोटल की द एंड की, ये खाली पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में डालेंगे, ना डेट में डालेंगे, ना लेजर फोलियो में डालेंगे, ना डेबिट बैलेंस में डालेंगे, ना क्रेडिट बैलेंस में डालेंगे। आराम से बेटे एंट्री देख लीजिए, कोई जल्दी है ही नहीं। अब जो बताने जा रहा हूँ इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊँ बेटे, मैं अब डिफरेंस बताऊंगा ट्रांजेक्शन 2, 3, 4, 5 में और फिर 6 में भी। आइए मैं 4 तक तो कर ही चुका हूं, 5th ट्रांजैक्शन देखते हैं। परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 1500 फ्रॉम अनिल कपूर एंड पेड बाय चेक, देखिए कितना ओछी हरकत कर रहा है एग्जामिनर, एक तरफ कह रहा है चेक से पेमेंट भी कर दी, तो भैया हमें नाम की जरूरत ही नहीं है, नाम क्यों दे रहे हो, हमें क्यों कंफ्यूज कर रहे हो, पागल बनाया हुआ है। परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 1500 फ्रॉम अनिल कपूर एंड पेड बाय चेक, बेटे हमें तो गुड्स और बैंक बैलेंस ही दिख रहा है, जैसे अर्जुन से जब गुरु द्रोणाचार्य पूछते थे अर्जुन तुझे क्या नजर आता है, अर्जुन कहता था भगवान मुझे एक तो मछली नजर आती है और एक मछली की आंख नजर आती है, और तो कुछ दिख ही नहीं रहा, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा भगवान गुरुदेव। इसी तरह से आप जब ये ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे तो आपको दो ही चीजें दिखनी चाहिए, एक मछली और एक मछली की आंख, एक तो गुड्स और दूसरा बैंक बैलेंस। गुड्स बढ़ रही हैं, परचेजेस लिखेंगे, बैंक कम हो रहा है, तू बैंक को क्रेडिट करेंगे, परचेजेस को डेबिट करेंगे, अनिल कपूर के नाम को कुछ नहीं करेंगे। चलिए ट्रांजैक्शन
नंबर फाइव, आइए जी, परचेजेस, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू टू बैंक 1500, 1500 बी बी परचेज ऑफ गुड्स एंड पेड बाय चेक, ब्रैकेट क्लोज और द एंड। बेटे 14 ट्रांजेक्शन है, 5 कर दिए परचेजेस की, कर रहा हूं अलग अलग तरह की चीजें बता रहा हूं, ध्यान से करोगे कमर सीधी करके बैठोगे तो समझ ज्यादा आएगा, आगे तो आपकी मर्जी है भाई साहब। परचेजेस अकाउंट डेबिट, एक दो बच्चे नींद आ रही है उनके तो आंखों में पानी रंगू, मैं भी वो सोच रहे हैं कि पलके झपक रही है फिर खोल देते हैं, फिर झपका रहे हैं फिर खोल देते हैं, उनको लग रहा है दोनों चीजें हो रही है, दोनों कुछ नहीं हो रही, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, अटेंशन पूरी देनी पड़ती है, दोनों हो रही है। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक 1500, 1500 आया जी। सिक्स परचेज गुड्स, परचेज फर्नीचर, बेटा यहां फर्नीचर खरीदा है, वाह रे वाह अनिल कपूर तू कितना काम करता है, कभी गुड्स भी बनाता है कभी फर्नीचर भी बनाता है, देखो ये फर्नीचर खरीदना है अनिल कपूर से। बेटे आजकल डिपार्टमेंटल स्टोर्स में हर चीज मिलती है, आप प्रोमो में जाएं, आप किसी मॉल में जाएं, ए टू जेड चीजें मिलती है आजकल। तो अनिल कपूर कुछ ऐसे गुड्स रख रहा है जो आप, कुछ ऐसा उसके पास सामान है, थिंग्स है जो आपके लिए गुड्स है, और कुछ ऐसा सामान है जो आपके लिए गुड्स नॉट इन नेचर की गुड्स की है, जैसे फर्नीचर इज नॉट गुड्स इन नेचर। तो बेटे फर्नीचर को हम परचेजेस में नहीं लिखेंगे, हम फर्नीचर को फर्नीचर ही रहने देंगे। अब देखो जी सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ वर्सेस सिक्स्थ, बेटे सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में हमने गुड्स खरीदी है इन द नेचर ऑफ गुड्स, सिक्स्थ में हम गुड्स तो खरीद रहे हैं, थिंग्स तो खरीद रहे हैं बट नॉट इन द नेचर ऑफ गुड्स, एक तो ये डिफरेंस है। आइए मैंने इसकी बड़ी प्यारी सी एक्सप्लेनेशन लिखी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कितनी मेहनत की होगी मैंने। बेटे गुड्स परचेस्ड, देखो ये ट्रांजेक्शन नंबर थ्री, अगर आप देखें ट्रांजेक्शन फोर भी देखें, लिखना है बेटे, ये लिखना है बेटे, ये वर्किंग नोट नंबर फाइव है। ट्रांजेक्शन थ्री ऐसे बना ले चार्ट, ट्रांजेक्शन थ्री ट्रांजेक्शन फोर ट्रांजेक्शन फाइव, भले पेपर में नहीं आएगा यार लॉजिक तो समझ आएगा, कौन सा यूट्यूब का लेक्चर है जो आपको इतना कुछ बता रहे हैं, आप ये समझ लीजिए इतना फेस टू फेस का टीचर आपको नहीं बता पाएगा जितना भुवेश आनंद बता रहा है, क्योंकि मैं प्यार से बता रहा हूं, आप मेरे चेहरे में देखिए मैं बिल्कुल 100% आपको बताने की इच्छा रख रहा हूं, और मैं खड़ा हूं बेटे, बैठ के भी नहीं पढ़ा। देखिए ट्रांजेक्शन थ्री ट्रांजेक्शन फोर ट्रांजेक्शन फाइव, ट्रांजेक्शन थ्री ट्रांजेक्शन फोर ट्रांजेक्शन फाइव में मैंने कहा जो कुछ कॉमन बातें भी है, हमने सब कुछ अनिल कपूर से खरीदा जबकि इस एंट्री को पास करने में उसका कोई यूज नहीं है, वैसे ही बता रहा हूं, अनिल कपूर कॉमन है, अनिल कपूर कॉमन है, अनिल कपूर कॉमन है। अच्छा उसके बाद ट्रांजेक्शन थ्री में फोर में फाइव में हमने गुड्स लिए, गुड्स लिए, गुड्स लिए, ट्रांजेक्शन थ्री में हमने परचेस किया है, परचेस किया है, परचेस किया है, ये तो सब कॉमन बातें होगी, डिफरेंस क्या है। ट्रांजेक्शन थ्री में हमें नहीं बताया गया, हमें नहीं बताया गया, हमें नहीं बताया गया, चलिए ट्रांजेक्शन टू है, गलती से मेरा टू है, ये थ्री है, ये फोर, कोई बात नहीं उसमें क्या हो, अच्छा सेकंड, कोई बात नहीं बेटे, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारी है, आप आराम से देखिए, सेकंड ट्रांजेक्शन में हिडन है, थर्ड में कैश है, फोर्थ में कैश है और फिफ्थ में चेक है और अनिल कपूर का नाम है। तो मैंने कहा जब हम कैश या चेक से देते हैं तो हमें उसके नाम की कोई जरूरत नहीं है। अब आ रही नीचे एंड ट्रांजेक्शन नंबर थ्री फोर फाइव और सिक्स का डिफरेंस लिखा है, कोई नहीं बताएगा, ये सारी बातें आपको पता होंगी तो आने वाले दिनों में लॉजिक्स क्लियर होंगे। थ्री फोर फाइव में देखिए ये गुड्स इन नेचर की, सिक्स फर्नीचर खरीदा है, गुड्स इन नेचर की नहीं है, लिख लो टाइम दे रहा हूं। ट्रांजेक्शन थ्री ट्रांजेक्शन फोर ट्रांजेक्शन फाइव गुड्स इन नेचर की है, ट्रांजेक्शन सिक्स नॉट गुड्स इन नेचर है, ठीक है जी। आओ आओ कहा आना है बेटे, एंट्री तो पास करेंगे, आओ जी सिक्स्थ,
फर्नीचर खरीदा है जी 1500 रुपए का अनिल कपूर से। तो मैं लिख रहा हूं, एक तो बेटे उधार में खरीदा, कैश नहीं लिखा, अनिल कपूर का नाम है, तो कर्ज में खरीदा है, कर्ज बढ़ेगा तो लायबिलिटी बढ़ेगी, लायबिलिटी बढ़ेगी तो लायबिलिटी का क्रेडिट नेचर होता है, क्रेडिट नेचर होता है तो कर्ज को क्रेडिट करेंगे, उसकी जगह अनिल कपूर का नाम लिखेंगे। चलो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, यहां परचेजेस नहीं लिखेंगे, हटके टू अनिल कपूर। बेटे दोबारा से 1500 आराम से बेटे, बीम फर्नीचर परचेस्ड, बीम फर्नीचर परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम अनिल कपूर लिख सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज और द एंड की लाइन डाल। छह बता दी बेटे, आठ रह गई है और उसमें से अगली तो बड़ी सिंपल सी है, देखो 7, 8, 9, 10, 11 सारी सोल्ड की है, सोल्ड गुड्स, लेकिन लास्ट वाली आप देखो तो बेटे 11 नंबर वाली फर्नीचर बेचा है आपने, आपने फर्नीचर बेचा है, आपने गुड्स नहीं बेची और गोविंदा पिक्चर में आ गया है। तो आप आइए जी, सेवंथ में लिखा ही नहीं हुआ, इसमें बेचा है, अभी तो बताया है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अगर दूसरी आइटम नहीं पता तो कैश मान लो, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो, जिस एंट्री में जिस ट्रांजैक्शन में दूसरा वर्ड आपको ना मिल रहा हो, ना तो नाम दिया हो, आप कैश ले लेना, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो। ठीक है जी, सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 2000, आपने गुड्स बेची, गुड्स का बैलेंस कम हो रहा है, गुड्स जा रही है, गुड्स एसेट है, एसेट का डेबिट नेचर होता है, लेकिन गुड्स कम हो रही है इसलिए गुड्स को क्रेडिट करेंगे, लेकिन हम गुड्स का नाम नहीं यूज करेंगे, हम सेल्स लिखेंगे, सेल्स लिखेंगे, सेल्स लिखेंगे। कैश आ रहा है, कैश तुम आ जाओ, कैश एसेट है, एसेट का डेबिट नेचर होता है, कैश जब एसेट बढ़ेंगे तो डेबिट करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे। आओ बेटे हम इसको एक बार लिख ले और एक बार समझ ले, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। एसेट्स बेटे यहां दो हैं, एक गुड्स है और एक कैश है, गुड्स जा रही हैं, गुड्स जा रही हैं, कैश आ रहा है। बेटे दुनिया की रीत है डबल एंट्री, कुछ जाएगा और कुछ आएगा, बेटे बचपन जाएगा जवानी आएगी डबल एंट्री, जवानी जाएगी बुढ़ापा आएगा डबल एंट्री, इस दुनिया में हर चीज है डबल एंट्री बेटे, अकाउंट्स में भी हम करते हैं डबल एंट्री। जा रही है, आहा आहा गुड तुम जा रहे हो तो तुम्हें 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 क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्यों गुड्स, क्योंकि गुड्स का एसेट नेचर होता है। कैश तुम आ रहे हो, तुम्हें तुम्हें प्यार करेंगे, गले से लगाएंगे, तुम्हें 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 डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे। और बेटे आपको ज्यादा और समझना हो तो आप एक टेबल भी बना सकते हो, जैसे मैंने कई क्वेश्चन में बनाया, गुड्स है, कैश है, गुड्स जा रही है, कैश आ रहा है, कैश आ रहा है तो डेबिट है और गुड्स जा रही है तो क्रेडिट है, आराम से पता चल सकता है, मुश्किल कुछ है ही नहीं। अब सीधी एंट्री में आ रहा हूं जी मैं, सीधी एंट्री एंट्री एंट्री, देखो जी सिक्स के बाद मैं आ गया सेवंथ एंट्री में, सेवंथ एंट्री बेटा सेवंथ को एक बार फिर पढ़ लेते, 2000 रुपए की गुड्स बेची तो सेवंथ एंट्री लिख रहे, कैश आया, कैश तुम आ गए, अच्छा तो तुम्हें डेबिट कर देते हैं, गुड्स तुम जा रही हो तो तुम्हें हट के क्रेडिट कर देते हैं, लेकिन तुम्हारी जगह सेल्स लिखेंगे, सेल्स लिखेंगे, सेल्स लिखेंगे। 2000 रुपए की है तो डेबिट भी 2000 से करेंगे और क्रेडिट भी 2000 से करेंगे और रीजन लिखेंगे बीइंग सेल ऑफ गुड्स,
इन कैश। बेटा मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है और अकाउंट्स में अंग्रेजी अच्छी की जरूरत भी नहीं है, ना ग्रामर की जरूरत है। ब्रैकेट लगाओ और नीचे लाइन लगाओ। सेवंथ कर दिया जी, ट्रांजैक्शन सेवंथ कर दीजिए, कर दीजिए। आइए ट्रांजैक्शन एट की तरफ। सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 2000 टू गोविंदा। बेटे ये नाम बताया गया किसको बेचा, कैश की बात हो ही नहीं रही, इसका मतलब हमने उधार में बेचा। किसको बेचा? गोविंदा को, उधार में बेचा, इसलिए गोविंदा हमारा डेटर बन गया। इसलिए हम गोविंदा गोविंदा को से प्रॉमिस ले रहे हैं। गोविंदा हमें प्रॉमिस दे रहा है कि मैं तुम्हें इसके बाद इतने पैसे दे दूंगा, लेकिन गुड्स तो जा रही है, गुड्स तो जा रही है, प्रॉमिस आ रहा है। प्रॉमिस कौन दे रहा है? गोविंदा। तो हम गोविंदा का नाम लिखेंगे, गोविंदा तेरे को डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि गोविंदा तू डेटर है। डेटर एसेट होता है, एसेट जब बढ़ रहे होते हैं तो हम डेबिट करते हैं, तो हम लिखेंगे गोविंदा डेबिट। तू 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 गुड्स नहीं, तू सेल्स। तो लिखिए जी, चलिए आराम से। बेटे मैंने इस एंट्री की अभी अभी एक एक्सप्लेनेशन मुंह जबानी बताई है, आप आराम से देखिए कि आपको समझ आ रही है। सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 2000 टू गोविंदा, गोविंदा को हमने ये सामान बेचा। आइए गोविंदा 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 अकाउंट डेबिट, गोविंदा अकाउंट डेबिट टू टू सेल्स 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 सेल्स। बेटे 2000 रुपए की हमने गुड्स उधार में गोविंदा को बेची। तो लिख दो बेटे, बीन सेल ऑफ गुड्स टू गोविंदा ऑन क्रेडिट, बीन सेल ऑफ गुड्स टू गोविंदा ऑन क्रेडिट, बीन सेल ऑफ गुड्स टू गोविंदा ऑन क्रेडिट। बेटे मैंने 8 तक लिख दिए, 6 रह गए। 9th ट्रांजेक्शन का, सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 2000 टू गोविंदा फॉर कैश। अब देखो एग्जामिनर ने फिर यहां पर ओछी हरकत कर दी, जब कैश है ही तो गोविंदा का नाम क्यों दे रहा है, क्यों कंफ्यूज करना चाहता है, हमें क्या करना है उस गोविंदा के नाम से। बेटे ट्रांजेक्शन नंबर 9 में दो हीरो है, एक हीरो एक हीरोइन, गुड्स और कैश। गोविंदा कुछ नहीं है बीच का भैया, बीच का गोविंदा कुछ नहीं है, हीरो हीरोइन हमें मिल गए, हमें क्या करना है। लड़का और लड़की राजी, तो क्या करेगा काजी। बेटे जब गुड्स मिल गई, कैश मिल गया, तो गोविंदा तू जा भाड़ में। आइए लिखे लिखे, गुड्स गुड्स को बेचा, तो कैश को हम ले रहे हैं, तो लिखे जी 9th। इसकी अगर आपको लिखना हो तो मैं लिखवा सकता हूं, एक्सप्लेनेशन बता सकता हूं। सेल ऑफ गुड्स टू गोविंदा इन कैश रुपीज 2000। पहली बात, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। बेटे गुड्स और कैश, गुड्स कम हो रही है, कैश बढ़ रहा है। जब गुड्स कम हो रही है तो क्रेडिट करेंगे, सेल्स का नाम क्रेडिट करेंगे, कैश डेबिट करेंगे। तो हमारे सीधा एंट्री के ऊपर 9th में आ गए जी, कैश डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू गोविंदा। नहीं, गोविंदा ने तो पैसे दे दिए, टू सेल्स 2000 से। बेटे 2000 यहां लिखे, बीइंग सेल ऑफ गुड्स इन कैश। मैं तो गोविंदा का नाम भी नहीं लिख रहा, नरेशन में भी कोई मतलब ही नहीं बनता। सर हम क्यों कंफ्यूज हो, वो हमें कंफ्यूज करना चाहता है, हम नहीं होंगे। हम क्यों लिखें गोविंदा का नाम जब उसने पैसे दे दिए। 9th ट्रांजेक्शन तक कर दिए।
आइए आइए, मैं 9th तक कर चुका हूं, आप देख लीजिए 7th हो गई, 7th देख लीजिए एक बार, सेल्स की थी, 8th भी सेल्स की थी, क्रेडिट सेल्स की, 9th भी, 9th भी कैश सेल्स की है, 7th भी कैश सेल्स की थी, 9th भी कैश सेल्स की है। आइए मैं आ गया जी 10th में, 10th पढ़ लीजिए, सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 2000 टू गोविंदा एंड रिसीव्ड अ चेक। बेटे चेक मिला है, चेक, चेक रिसीव कर रहे हो, चेक रिसीव कर रहे हो, चेक रिसीव कर रहे हो बेटे, चेक। तो बेटे जब चेक मिला या कैश मिला, गोविंदा का नाम की कोई जरूरत ही नहीं आ रहा, ऐसी बातें बार बार कर रहे हो, तो सोल्ड गुड्स टू गोविंदा बाय चेक, तो बेटे क्या एंट्री होगी, बैंक। बेटे चेक तो बैंक में जाके जमा हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू गोविंदा, लिखेंगे थप्पड़ मारेगा गोविंदा, हाथ पकड़ लेगा आपके, वो कहते हैं तो मैं पैसे दे रहा हूं ऊपर से तुम मेरा नाम लिख रहे हो, टू सेल्स 2000 से डेबिट 2000 से क्रेडिट, लिखे जी बीइंग सेल ऑफ गुड्स इन इन अगेंस्ट ऑफ चेक, इन अगेंस्ट ऑफ चेक, बेटा चेक तो बैंक में जाके जमा हुआ, पर्दा लगाइए और द एंड। 9th तक लिख चुके हैं जी, 9th तक लिख चुके हैं, 10th में आ गया, सोल्ड गुड्स, ओह सॉरी 10th ही थी सर, 10th थी, मेरे से गलती से 9th लिख दिया मैंने, 10th है। 11th में आ गया जी, एक बच्चा खुश हो गया, कहता है 11th में आ गया, मजा आ गया, खत्म होने वाला क्वेश्चन, सोल्ड फर्नीचर, बेटे 11th में हमने फर्नीचर को बेचा है, फर्नीचर को बेचा है, गुड्स नॉट इन द नेचर ऑफ गुड्स को बेचा है, थिंग्स नॉट इन द नेचर ऑफ गुड्स को बेचा है, तो फर्नीचर का नाम ही लिखेंगे, फर्नीचर एसेट है, फर्नीचर को बेच रहे हैं, फर्नीचर कम हो रहा है, क्योंकि ये कम हो रहा है इसलिए फर्नीचर को क्रेडिट करेंगे, टू गोविंदा, कैश तो लिखा नहीं बेटे, गोविंदा को उधार में दिया है, गोविंदा को उधार में बेचा है, तो गोविंदा हमारा डेटर बन गया, गोविंदा से हम प्रॉमिस लेंगे, प्रॉमिस आ रहा है, प्रॉमिस डेटर, डेटर गोविंदा, डेबिट बैलेंस इंक्रीजेस, वी डेबिट दैट गोविंदा, तो बेटे गोविंदा को डेबिट करेंगे, फर्नीचर को क्रेडिट करेंगे, आराम से पहले इसको लिख लें, फिर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन और बताऊंगा, आप पहले लिखें 11th में, गोविंदा, ए गोविंदा तुझे डेबिट कर रहे हैं, तूने हमें पैसे देने हैं, क्यों, क्योंकि तूने हमारे से फर्नीचर ले लिया है, हम तुझे उधार में दे रहे हैं, कितने का, कितने का, 2000 का डेबिट, 2000 का क्रेडिट, डबल एंट्री इफेक्ट सिस्टम, लिखो जी व्हाट्सएप लिखो, बीइंग सेल ऑफ फर्नीचर, बीइंग सेल ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट टू गोविंदा, आराम से ब्रैकेट क्लोज करो, आराम से लाइन डालो, बेटे मैं 11 तक पहुंच गया, अब मैं आगे तभी चलूंगा जब मैं इनका डिफरेंस बताऊंगा, 7th 8th 9th 10th 11th 7th 8th 9th 10th 11th सारी सेल की थी, लेकिन कुछ डिफरेंस है, आइए देखें क्या डिफरेंस है, बेटे क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, एक बार देख तो ले, इतनी मेहनत जो हम कर रहे हैं हमें पता तो होना चाहिए कि क्या डिफरेंस है, आइए हम डिफरेंस देखेंगे बेटे, ट्रांजैक्शन 7 लिख ले तो बहुत अच्छा बेटे, मैं तो कह रहा हूँ जो जो स्लाइड्स मैंने बनाई है आप लिख ले, बड़ी मेहनत से बनाई है यार, कुछ ऐसा थोड़ी कहीं से कॉपी पेस्ट थोड़ी कर दी, आपकी आत्मा में मैं गया और मैंने सोचा कि आपके मन में क्या क्या सवाल आ सकते हैं, क्योंकि आप मेरे से दूर है, लेकिन आपको महसूस नहीं हो रहा कि आप मेरे से दूर है, आपको बताइए, आपको लग रहा है कि अभी निकल के आ जाएंगे बाहर और थप्पड़ मार देंगे, ट्रांजैक्शन 7 ट्रांजैक्शन 8 ट्रांजैक्शन 9 ट्रांजैक्शन 10, 7 में देखिए 8 में 9 में 10 में, बेटे सब में सेल 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 सेल, गुड्स 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 गुड्स, बेची 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 बेची, एक में कैश में बेची, एक में उधार में बेची, एक में नाम देकर गोविंदा के कैश में बेची, एक में नाम देकर गोविंदा के चेक में बेची,
इधर बता चुका हूं, लिख लीजिए हिडन ट्रांजैक्शन, साथ में तो हिडन है, छुपा हुआ है। 8 में क्रेडिट में बेची, 9 में नाम भी बताया और कैश में बेची, 10th में नाम भी बताया और बैंक में बेची, और 11वां का क्या कहना है बेटे, वो तो फर्नीचर बेचा। चलिए आपको समझ आ गया। चलो जी मैं 11 तक पहुंच गया हूं, मैं अब आ रहा हूं जी 12, 13, 14 बस खत्म ही होने वाला जी क्वेश्चन। पेड कार्टेज प्रिंटिंग चार्जेस सन्ड्री एक्सपेंसेस बाय, बेटा तीन खर्चे इकट्ठे दे दिए, बाय चेक। आहा, कार्टेज एक्चुअली में नहीं देते हम, कैश देते हैं। प्रिंटिंग चार्जेस एक्चुअली में नहीं देते, कैश देते हैं। और सन्ड्री एक्सपेंसेस एक्चुअली में नहीं देते हम, कैश देते हैं। दूसरी बात, ये एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस से कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा, आपने सेवाएं ली है, आपका कैपिटल बैलेंस कम होगा, लेकिन हम कैपिटल तक अगर बात पहुंच गई तो हम उसका कारण लिखेंगे, हम कैपिटल का नाम नहीं लिखेंगे। तो बेटे हम कैपिटल का नाम की जगह लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल कम होगी, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, नेचर क्रेडिट नेचर है, कम होगा तो डेबिट करेंगे, इसलिए हम क्या क्या करेंगे, कार्टेज को डेबिट करेंगे, प्रिंटिंग चार्जेस डेबिट करेंगे, एक्सपेंसेस डेबिट करेंगे। तो लिखिए लिखिए, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है जी। आइए 12वां 12वीं आगे मेरे बेटे, कार्टेज डेबिट, सब बच्चे लिखेंगे मेरे साथ लिखेंगे, क्योंकि मेरे ही तो है वो, आप सब मेरे दोस्त हो ना, मेरे बच्चे हो ना, तो लिखो ना बेटे कार्टेज डेबिट। प्रिंटिंग चार्जेस डेबिट, अकाउंट लिखते जाना, जगह नहीं थी मैंने लिखा नहीं। सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब देख लीजिए कार्टेज कितनी है जी, 700 रुपए से डेबिट करेंगे, प्रिंटिंग चार्जेस 300 रुपए से, और एक्सपेंसेस 500 रुपए से। एक बच्चा लिख ही नहीं रहा, एक बच्चे ने तो टोटल करके लिख भी दिया, वो महान है जो कोशिश तो कर रहा है, जीत उसी की होती है जो कोशिश करता है। बेटा सीखते तो हम कभी नहीं आते ऊपर से, यही सीखते हैं, लेकिन जो करता है उसी को मिलता है, ज्यादा ध्यान रखना। आप काम चोरी कर रहे हो, जो बच्चे टोटल भी नहीं कर रहे, नरेशन में नहीं लिख रहे, बी एक्सपेंसेस पेड। चलो जी जगह नहीं थी मैंने इसलिए लाइन में लिख दिया। 13th एंट्री में आ गया जी मैं, पेड फॉर इंश्योरेंस। बेटे इंश्योरेंस आप समझते हैं ना, बड़ी सारी एडवर्टाइजमेंट आ रही है आजकल, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, और नया मोटर व्हीकल एक्ट आ गया है, इंश्योरेंस गाड़ी की कराना कंपलसरी है, लाइफ की कराना कंपलसरी है। बेटे इस दुनिया में कुछ भी एक जैसा नहीं रहता, हर चीज खत्म होती जा रही है, नहीं आ रही है, बदलती जा रही है। बेटे संसार का नियम है बदलना, आप भी तो पहले कुछ अलग दिखते थे, अब कुछ अलग हो गए हो बेटे, आपके विचार अलग हो गए हैं, आपकी फिजिकल बॉडी अलग हो गई है, बेटे हर चीज बदल रही है, खत्म हो जाएगी एक दिन, तो इसलिए सब इंश्योरेंस कराते हैं। बेटे एक इसमें एक इंश्योरेंस कंपनी होती है, एक वो व्यक्ति होता है जिसको इंश्योरेंस करानी होती है, वो उसको प्रीमियम देना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा, कुछ खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा, पैसे जाएंगे, पैसे कम होंगे, पैसे एसेट्स हैं, एसेट जब कम होगा तो क्रेडिट करना पड़ेगा। आपने एक्सपेंस बियर किया, एक्सपेंस से कोई एसेट नहीं हुआ, आपको कैपिटल का बैलेंस कम करना पड़ेगा, इसलिए कैपिटल का बैलेंस को डेबिट करना पड़ेगा। लेकिन हम कैपिटल के नाम की जगह उसका रीजन लिखेंगे जिसकी वजह से कैपिटल कम हो रही है, इंश्योरेंस। तो बेटे मेरी एंट्री होगी इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस, ये 13 एंट्री है, इंश्योरेंस इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। चेक से तो नहीं दिया, कुछ नहीं लिखा, पेड तो लिखा है, कैश मानेंगे। कितना, 1000 डेबिट, 1000 क्रेडिट, बीइंग पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस, बीइंग पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस इन कैश, ब्रैकेट क्लोज, द एंड। बस बेटे एक लास्ट पॉइंट रह गया, बस बेटे आज ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा,
received fees from client. Client से पैसे आए, income है, मैंने उसको services दी थी, मैंने उसको सेवाएं दी थी, वो मेरी income है, income से मेरा capital का balance बढ़ता है, इसलिए capital को credit करेंगे, लेकिन capital का नाम use नहीं करेंगे, हम उसकी जगह fees लिखेंगे, इसी तरह से rent का भी ऐसा ही है, rent एक income है, मैंने घर किराए में दिया, मैंने दुकान किराए में दी, वहां से किराया आया, किराया मेरे इनकम है, कैश भी आया, किराया भी आया, कैश एसेट है, उसको तो डेबिट करेंगे क्योंकि दो इफेक्ट है बेटे, हीरो हीरोइन कौन है बेटे, आप ये बताओ क्लाइंट फीस में हीरो हीरोइन कौन है, एक तो कैश है, दूसरा बेटे फीस है, इसी तरह से रेंट रिसीव्ड में कैश हीरो है, रेंट रिसीव्ड हीरोइन है, एक एक रणधीर है, एक कैटरीना कैफ है, बेटे अब हमें पता चला देखना है कि डेबिट किसको करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे। आइए मैं इसकी एक बार नरेशन लिख दूं, कैश रिसीव्ड, रिसीव फीस फ्रॉम क्लाइंट 1100, रिसीव्ड फीस फ्रॉम क्लाइंट 1100, रेंट रिसीव्ड कितने बेटा, रेंट रिसीव कितना मेरे लल्ला 2000। लो जी पहले इसको देख लेते हैं, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, रिसीव क्या करते हैं एक्चुअली में, कैश, कैश को बढ़ा रही है, कैश बढ़ रहा है, कैश एसेट है, एसेट का डेबिट नेचर होता है, इसलिए कैश को डेबिट करेंगे। जब मुझे पता चल गया कि उसको डेबिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज तो क्रेडिट हो गई, लेकिन लॉजिक समझना है, दूसरी चीज क्या है, क्या है दूसरी चीज, फीस रिसीव्ड, बेटे फीस रिसीव्ड से मेरा कैपिटल बढ़ेगा, और जब कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कैपिटल का नेचर क्रेडिट नेचर होता है, लेकिन कैपिटल का नाम नहीं लिखेंगे, हम फीस का नाम लिखेंगे, तो बेटे हम क्या एंट्री पास करेंगे, अभी बता लिख लो, कैश, कैश बेटे 14th एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट 3100। अब एक बच्चा टेंशन में आ गया कि 3100 रुपए कैसे आए, ये तो 1100 रुपए की एंट्री है बेटे, दोनों की दोनों मैं एक साथ कर रहा हूं, कैश 2000 रुपए रेंट के, 1100 रुपए इसके, टू हटके हटके टू फीस, टू रेंट 1100, 2000, नीचे लिख दो नरेशन, बी फीस रिसीव एंड रेंट रिसीव्ड, चैप्टर क्लोज, चैप्टर मींस क्वेश्चन क्लोज। बेटे कितने प्यार से, कितने पेशेंस, कितनी एक्सप्लेनेशन समझा के, लिखवा के सब बताया बेटे, भावना एक ही है कि आप मेरे जैसे जो जो मैं बोलता जा रहा हूं अगर आप करते जाओगे तो ये जीत आप ही की है, आप ही की है, आप ही की है। इन्हीं बातों के साथ मेरी आप सबको शुभकामनाएं, आप अपना समय लगा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आप क्वेश्चंस करके आ रहे हैं, आप कमेंट्स लिख रहे हैं यूट्यूब पे, मुझे बहुत बढ़िया और अच्छा महसूस होता है। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। और बेटे क्वेश्चन नंबर 5th होमवर्क में करना है, ट्राई करना है ये क्वेश्चन।